वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ सेवन डेज टू डाई लास्ट अपिसोड में, में सबको याद होगा हम लोग इस के पास आए थे एंड आते ही उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया इस मतलब उसके जगह से बाहर निकाल दिया बिकॉज अंधेरा हो गया था रात के बारह बजे या दस बजे के बाद ये किसी को भी अंदर रखता नहीं है तो अभी सुबह हो गई है आज के एपिसोड में हम इसके पास जाके जो टास्क होते हैं हमको काफी सारे टास्क देता है उससे हमको पैसे मिलता है। वो सारी आज हम कंप्लीट करेंगे ठीक है हेलो सर गुड मॉर्निंग मेरे को रात को बाहर निकाल दिया था अभी मेरे को चाहिए जॉब डू यू हैव एनी जॉब्स तो इसके पास आ, ये टायर वन टायर टू क्लीन जॉम्बीज फ्लैश क्लियर जॉम्बीज फ्लैश बरीड सप्लाइज तो ये सारे काम है तो अभी ये बरेड कौन सा गाइस करे बरेड सप्लाइज या ये वाला आई थिंक ठीक रहेगा सो so, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा मेरे को पहला जॉब गाइस मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो इसके हिसाब से इसका कोई पार्सल है जो किसी जगह पे इसने बेड करके रखा है और उसने बोला है मेरे को ओनली सप्लाइज ही चाहिए बाकी का आइटम तू रख सकता है और वो यहाँ से लगभग दो मीटर कहीं हुए दफना के रखा है एंड इसके लिए मेरे को एक शोवल चाहिए तो शोवल के लिए अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं एक मेरे को शोवल कहाँ से मिलेगा मुझे लग रहा है मुझे इसे बाय करना पड़ेगा वैसे शोवल कितने का है भाई यहाँ पे शोवल तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे एक स्टोन शोवल भी अवेलेबल है तो मैं इसको बना लेता हूँ ठीक है आई थिंक इससे अपना काम हो जाएगा दो बना लेता है एक्चुअली क्योंकि अगर एक से काम नहीं हुआ तो यू नो एक से भले दो तो अभी मैंने यहाँ पे दो शोवल्स बना लिए है अभी मैंने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो अभी यहाँ से सीधा निकल रहे थे अपना मिशन करने के लिए एंड यहाँ पे कुछ वो पम्पिन है क्या मैं इनको शिट वेट आई थिंक मैं इसको निकाल नहीं सकता क्योंकि ये मेरे पंखी नहीं है मे बी मेरे ऊपर रेड वग वही मैं का मका के पंखे नहीं लेने वाला बट अभी यहाँ से निकल लेते हैं हमको ओ एक रैबिट दिखा क्या मैं मार नहीं सकता मेरे पास बो एन एरो एरो मेरे पास कितने हैं मेरे पास बो तो है एक काम करते कर, कुछ एरोज बना लेता तो हूँ मैं ठीक है कैन आई क्राफ्ट सम एरो आई नीड सम स्टोन एरोज मैक्सिमम उन्नीस बनेंगे क्राफ्ट ओके गाइस बनेंगे उनको बना के रखते हैं भाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर मैं ऐसा बनी वगैरह मार सकता हूँ खाने पीने का भी ना झुकाट बीच बीच में हमको करना चाहिए बट अभी सबसे पहले निकल लेते हुए अपने पहले मिशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड है एंड वैसे भी ना मुझे गाइज काफ़ी सारे लोगों ने बोला है कि मैं ना सीधा डायरेक्टली नदी में से भी पानी पी सकता हूँ अगर मेरे को प्यास लगी है तो वैसे भी मेरे को प्यास नहीं लगी है तो आई थिंक हाँ मेगा मुझे पानी नहीं पीना चाहिए मेरे पास ये जो रॉटन फ्लैश पड़ा है ना क्या मैं इसको खा सकता हूँ आई थिंक आई कैन बट ये सेहत के लिए अच्छा डायरिया oh, oh, मेरे को डायरिया हो गया क्या अरे यार गाइज तो ये या, मैंने बोला ये, तो ऑबली चीज खा नहीं सकता क्योंकि भाई वो खराब है डायरिया हो गया उसके लिए मेरे को भाई टी पीना पड़ेगा क्या भाई ओ oh. वो oh, यहां पर ट्रेजर है ओके ई टू स्टार्ट क्वेस्ट ओके तो गाइज एग्जैक्टली exactly, ये जो सर्कल है इस सर्कल के अंदर हमको वो ट्रेजर मिलने वाला है गॉट इट बट मेरे को भाई डायरिया काइंड kind ऑफ of हो गया है यहाँ पर कुछ और फिदर्स है उनको उठा लेते हैं सो गाइज अपना खुदाई का काम शुरू करते हैं ओके लेट्स सी क्या होता है वैसे कितना टाइम लगेगा खोदने में आई डोंट नो वैसे मेरे पास एकदम बाबा आदम के ज़माने की शॉवल है स्टोन की शॉवल है तो यार काफ़ी टाइम तो लगेगा देखते हैं खोद हो गया ओह खड्डा तो हो गया ओके okay, तो मेरे को अभी लगभग ये पूरा आई थिंक ऐसा बीच में बीच में ही खोदते ठीक है अभी सबसे पहले खोद के तो देखते हैं क्या पता मिली जाए यहाँ पे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि ईजी नहीं है स्टे विथ इन पॉइंट फाइव मीटर ऐसा बोल रहा है ओके पॉइंट ओके पॉइंट फाइव मीटर यहाँ पे पॉइंट ओके इधर पॉइंट पर आ रहा इसका है इसका मतलब गई इसके आस पास है ये ट्वेंटी फाइव मीटर के पूरे एरिया में है मुझे लग रहा है इसी एर इसी जगह पर होगा गाइस आई थिंक यहीं पर होगा देखते हैं ये माइंड काफ की तरह हाँ वैसे माइंड काफ में भी ना ऐसा ट्रेजर फाइंड करना ऑब्वियसली मुश्किल ही होता था हमको मतलब काफ़ी सारी जगह पे ऐसा डिक करना पड़ता था तभी जाके मिलता था इसका पता नहीं ये देखते क्या होता है बट ये एटलीस्ट बता तो रहा है कि पॉइंट फाइव एरिया के मतलब इसमें ही है रेडियस में है थोड़ा सा इधर ओके इधर पॉइंट थ्री बता रहा है हाँ आई थिंक इसके नीचे गए आई थिंक मिल जाएगा बस ऊपर से कोई अटैक ना कर दे क्योंकि भाई मैं नीचे गड्ढा खोद रहा हो ओके अभी भी पॉइंट थ्री मीटर ओके पॉइंट वन मीटर बता रहा है थिंक यही पे है गई आई थिंक वी जस्ट फाउंड इट वन मीटर ओके वन मीटर इधर है मतलब यही पे कहीं पे है इसी के जगह इस साइड में खोते हैं यही पे कहीं पे गाइज डेफिनेटली अभी ये पॉइंट वन मीटर रहा है वहां पे. प्लीज बता दो यही पे है प्लीज वैसे भी आ रही है ना काफ़ी स्टोन की शोवल है काफ़ी टाइम लग रहा है अगर यू नो मेटल की आयरन की मतलब आयरन की उसे तो और मजा आ जाता मिल गया क्या नहीं बॉक्स देख बॉक्स जैसा कुछ बाहर आएगा कमॉन जल्दी वी डोंट हैव अ टाइम लगभग बारह बज चुके हैं और अभी तक तो कुछ फाइन नहीं हुआ है और ये बारिश अचानक से शुरू हो गई है भाई बारिश क्यों हो गई और मैं भीग रहा हूँ वट भाई मैं भीग रहा हूँ तो यहाँ पे आई थी मैं फोर्टी परसेंट भीग गया अगर पेड़ के नीचे खड़ा रहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर्दी वगैरह तो नहीं होगी ना मुझे पता नहीं भाई ये गेम का फिजिक्स कैसे काम करता है ठ जॉम्बिस की आवाज आ रही है मेरे को कौन है भाई बारिश में जॉम्बिस नहीं घूमते ना नहीं घूमने चाहिए अरे जॉम्बी इधर आ रहा है तेरी भैंस की इसको आई थिंक पता चल गया होगा यहाँ पे मैं काम कर रहा हूं आ जा जल्दी 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 आ, इसकी ऐसी की तैसी ये लोड नहीं हो रहा नहीं 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 एक सेकेंड अरे मैं करके आ रहा हूँ आ जा तेरे को के अरे काफी सारे जॉम्बिस आ रहे हैं अरे बट क्यों रात तो नहीं आई थिंक बारिश में जॉम्बिस आते हैं ओके okay. uh, क्वेस्ट फेल फाइंड दप्लाई सप्लाई अबे फेल कैसे हो गया अबे ये क्या बकवास है ये फेल कैसे हो गया अभी तक मैंने आई थिंक जॉम्बीज आ गए दैट्स वाई ये क्या बकवास है इसकी इसकी आई तेरी ऐसी की कितनी इनकी वजह से गई ये फेल हो गया अच्छा तेरी हड्डी तोड़ देता हूँ मैं भैया अचानक से बारिश शुरू हो गई और ये आई थिंक बारिश में जॉम्पी जाती है क्योंकि ना रात हो जाती है ना काइंड kind ऑफ of, मर गया ना एक तो भाई मेरा ना एम बहुत गंदा है मे बी उसके लिए भी स्किल पॉइंट चाहिए होते हैं मर जा यार ओके आया रोज वापस दे दे यार मेरे को यार ये मिला ही नहीं चेस्ट यार सो सैड अब ये मेरे को उस के पास वापस जाना पड़ेगा ठीक है यार कोई नहीं वैसे मैं किधर से आता और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और मेरे को काइंड ऑफ डायरिया वगैरह हो गया और देखो अब अभी बंद होगी इसकी बहस की अगर आई थिंक यार थोड़ी देर बाद आती है ना ऑलमोस्ट यार मैं इसको ना निकाल निकाल चुका होता ठीक है अभी आई थिंक मेरे को वापस रेडर के पास जाना पड़ेगा अभी इसको भी पेल दूंगा मैं तेरी भैंस की लकड़ी तेरी वजह से तेरी वजह से मेरा क्वेस्ट चला गया तेरी ऐसी की ते मरेगा नहीं ये वो मर गया आई थिंक हेड शॉट लगा दैट्स वाई मेरे को ना गाइज स्ट्रॉन्ग बो चाहिए यार सीरियसली मेरे को और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा बट एनी यार अभी वापस ट्रेडे के पास चलते हैं अभी ना कोई फिर दूसरा जॉब देखते हैं हेलो सर आपका क्वेस्ट फेल हो गया डू यू हैव एनी जॉब्स ओके अभी एक्स्ट्रा जॉब्स भी अभी क्लियर जॉम्बिस वाला एक और नया मिशन है ये फ्लैच क्या होता है पता नहीं बट पहला जॉब तो फेल हो गया तो भी मेरे को 403 मीटर जाके जॉम्बिस को क्लियर करना है लेकिन उससे पहले उससे कुछ बिजनेस करता है ठीक है uh, मेरे को कुछ चीज़ें बेचनी है ये क्ले बेचनी है मेरे को कितने मेरे क्ले के सेल सारी सेल कर सारी सेल कर दी मैंने ओ चार डॉलर मिले ओनली फिर मेरे पास आयरन काफ़ी सारा पड़ा आयरन भी बेच दूंगा मैं अभी को तो मेरे को नहीं चाहिए फिर ये लेदर काइंड ऑफ है इसको भी भेज ओके इसके पचास मिल गए भाई ये काफ़ी रेयर चीज़ थे आई थिंक ये ब्रास भी मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा है ले भाई एक सौ बत्तीस आ गए ओके थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी एंड देन मेरे पास ये स्टेरॉयड्स भी पड़ा है ये मेरे को मिला था क्रेट में से ओ ये काफ़ी महंगा ओ फिफ्टी मिल गए इसके बहुत बढ़िया तो आई थिंक इतनी चीज़ें अभी अभी के लिए इसको इतनी बेचता है ठीक है गो प्रू दैट यू हैव वॉट इट टेक्स टू बी पार्ट ऑफ वाइट रिवर्स रनर वी नीड यू टू क्लियर आउट द जॉम्बीज एक्सेप्ट हाँ भाई वैसे काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि भाई मेरे पास ज्यादा वेपन्स भी नहीं है आई मीन आई सीरियसली डोंट हैव वेपन्स पता नहीं डोट पे कितने जॉम्बीज होंगे और एक बार ना मैं इसका भी बेस थोड़ा सा ना ठीक ठाक चेक कर लेता हूं यहाँ पे भी आई थिंक मेरे को काफी सारी चीजें मिल सकती है वैसे अभी तक मैंने नीचे वाला एरिया चेक नहीं करा मे भी नीचे कुछ हो सकता है यहाँ पे एक नीचे कमरा है काइंड ऑफ ये लॉक्ड है नहीं ये अजीब सा म्यूजिक बज रहा है गाज मुझे ना आई थिंक नहीं खोलना चाहिए वहीं तो फिर ये ट्रेलर मेरे को यहाँ से बाहर भी निकाल सकता है एनी कार के अंदर से ओ गैस मिल गया गैस स्कैन ये गैस स्कैन भेज देगा उसको <laughs> उसका उसी को भेज दे इसके अंदर भी कुछ मिल जाएगा okay? ओके ओ, ओ और गैस कैन का... आओ काफ़ी सारा गैस मिल गया फ्री का ही बट मेरे को अभी देखो गैस की जरूरत नहीं है तो मैं ना मैं गैस को भेज सकता हूँ बस कुछ और मिल जाए इसके अंदर भी कुछ नहीं है अरे यार कुछ ना कुछ तो दे देता है यार थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा चेक कर दू ठीक है लास्ट टाइम मेरे को आसान एक झोंब्बे की आवाज़ आ रही थी ओके okay, इसके अंदर कुछ है सीमेंट मिक्सर ओ फोर्ज फोर्ज हेड काइंड ऑफ मेरे को एक नई मैगजीन मिली है और ये जो मैगजीनस है इनका भी काफ़ी यूज़ आता है इसको ना एक बार मैं पढ़ लेता हूँ देखो मेरे को एक्सपी मिल गई यू हैव अनलॉक्ड वर्क स्टेशन ओ वर्क स्टेशन का कोई स्किल अनलॉक हो गया ओके okay, सही है uh, फिर यहाँ से मेरे को एक और मैगजीन मिल गई ठीक है इस मैगजीन को भी पढ़ते हैं ओके okay, इससे भी कुछ आई थिंक वो सेम मैगजीन थी ठीक है और कुछ है यहाँ पे भी कुछ सामान ओके इसके अंदर कुछ नहीं है इसके अंदर में कुछ मिल सकता है मैं ना अभी सबसे पहले जो यहाँ से चीजें मिल रही है ना मैं इसी को बेचने वाला हूँ ठीक है इसके ओ वी गॉट पाइप राइफल वट द हैक क्या ये मैं चला सकता हूँ बट इसके लिए गोलियाँ चाहिए होगी ना ओके कैन आई कैन आई यूज दिस कितनी एमोज है मेरे पास इसकी आई थिंक ओके दो एमोज मेरे पास पड़ी है बट आई नीड मोर एमोज भाई मेरे पास गन आ गई अरे तो सही है और ये गम तो यार उसको फिर ना मैं काफ़ी महंगी बेच सकता हूँ खास के यार भाई तो मेरे को ना बहुत पहले चेक कर लेना चाहिए था यहाँ पे आई प्लीज़ खाना का कुछ ओके मूफी वाटर मिल गया थोड़ा सा बहुत बढ़िया खाने की चीज़ें ओके एक और मूफी वाटर मिल गया बहुत बढ़िया तो पा पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी बस थोड़ा सा खाने का जुगाड़ हो जाता तो मज़ा आ जाता अभी काम करते इसको फिर ये वापस जाके मैं चीज़ें बेचता हूँ ओके गाइज ठीक है मैं वापस आ गया भाई मेरे को कुछ चीज़ें बेचनी है रेडिएटर तो जाएगा ना सेल ओके इसके मिल गए पैसे फोर्टी मिल गए इसके ठीक है फिर मेरे को क्या मिला हाँ ये गैस काफ़ी सारा है मेरे पास इसके कितने मिलेंगे ओके मैं बेच ओके जब हंड्रेड होगा मैं तभी बेच सकता हूँ ये लीड काफ़ी सारा पड़ा ये ले ले ओके टू ट्वेंटी एट हो गया यार कुछ भी नहीं मिल रहा गन पाउडर काफ़ी सारा पड़ा है ओके इसको बेच दिया थोके क्ले थोड़ा क्ले भी डेढ़ सौ में ही बेच सकता हूँ मैं मतलब उसका होना चाहिए डेढ़ सौ काइंड ऑफ ये भी बेच दिया यार कुछ भी नहीं मिला मेरे को लिटरली और अभी फिर खाने में मैं क्या बाय कर सकता हूँ इससे खाने का ये कैन ओके कैन में बाय कर सकता हूँ गाइज सो आई एम गोइंग टू बाय कितने कॉइन है इसके मेरे को तीन कैन दे दे या एक ही पड़ा है वॉट एक ही पड़ा है क्या ओनली आई थिंक ओके एक एक ही पड़ा है मैं भी इस जगह पे मेरे को जोबिस मारने हैं वाह ई टू एक्सेप्ट तो गाइज मैंने मिशन एक्सेप्ट कर लिया है लेट्स गो नीचे uh, मैं मेरा ये भी बाहर निकाल लेता तो, हूँ ठीक है ये एरो आई मीन ये क्या बोलते हैं उसको स्टोन स्पियर मेरे पास यार मेटल का वगैरह स्पियर होना चाहिए था बट एनी वेज लेट्स को हम सबसे पहले बोन एरो से ही मारेंगे ये जिंदा है नहीं जिंदा नहीं है ओके भाई क्या लो ओ क्या खतरनाक लोकेशन लग रही है इसे कहाँ पे जाने का है इधर Zombies की आवाज़ तो आ रही है हेलो कोई है अरे भैया आ जा भीड़ ले मर गया ओके एक तो मार दिया गाइज कितने जॉम्बीज है वैसे आई डोंट हैव एनी आइडिया शेट कहाँ पे ओह भैंस की आ जा बस दो तीन एक साथ ना आ जाए इस नहीं 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 वे तो दो दो आ रहे हैं ओके okay, हाँ इधर ही से रुको शट uh, 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 uh. uh, स्टैमिना को क्या हो गया ओके आउट ऑफ स्टैमिना नहीं 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 स्टैमिना आउट ऑफ नहीं होना चाहिए नहीं 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 प्लीज 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 ओ भैंस की लकड़ी ओ शेट और नहीं 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 आउट ऑफ होना ये तो दो दो पीछे पड़ गई इधर से ओके okay, इधर से आई के ना ओके okay, मर गई है आई थिंक काइंड ऑफ शिट मर गई मर जा मरना अरे नहीं अरे स्टैमिना इसकी भैंस मेरी हड्डी टूटी है गाइस यहां पे हड्डी टूटे का एक साइन आया है ओ शिट आई थिंक गाइस आइटम नीड्स टू अबे आइटम कैसे टूट गया क्या क्या टूट गया अबे गाइस 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 आई थिंक ओके आजा मर गई भैंस की लकड़ी दो को मारने में भी इतनी दिक्कत आई भाई बाकी को कैसे मारूंगा मैं यार ये तो काफ़ी खतरनाक सीन है गाइज ओके मशरूम्स है मशरूम्स को मैं ले सकता ओके कैन आई टेक दम एक तो यार आइटम अरे यार ओके ओके ये, okay, okay, ये रिपेयर हो गया हाँ ये टू ओके स्टोन का स्पेट हो भाई इसको रिपेयर कैसे करूँ मैं अभी हाउ कैन आई रिपेयर ओके हो गया रिपेयर ओके okay, ओके okay, रिपेयर हो गया ओके okay, ओके तो स्टोन और हाँ वुड चाहिए ओके गाइस ठीक है ये रिपेयर हो गया भैस की भाई ये बो को भी रिपेयर करता है ओके ठीक है वो रिपेयर हो गया मेरी एक हड्डी टूटी गाइस अभी देर एक घंटे के अंदर आई थिंक मेरे को मामला पानी सेट करना पड़ेगा नहीं तो मेरी बैंड बच सकती है अभी सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है ओके okay, हड हड्डियाँ यार कुछ कुछ तगड़ी चीज़ दे दो यार बढ़िया सी ठीक है अभी और अंदर चलते हैं भाई क्या ख़तरनाक जगह है शिट आवाज आ रही है की हेलो ओ नो शिट नहीं इस, इसने काफी जोर का मारा है गाइज मर गया ना मर ना? शिट आ जा अजा मर गया मर जा कहीं के, के साले एक पीछे से नहीं आ रहा ना भाई ये कितने एक सेकंड कोई है ये लोग बहुत सारे आई थिंक गाइज ओके आई थिंक और नीचे जाना है मुझे भाई ये तो मेरी हालत खराब हो रही है अभी ओके okay, ओके okay. ये एक रास्ता किधर जाता है आई थिंक मेरे पास ना काफी सारा वेट हो गया है मैं कुछ ओके क्ले फेंक देते हैं भाई नहीं चाहिए मेरे को ये हड्डिया भी फेंक दो अरे खतरनाक है मेरे को लगाई सीरियसली स्ट्रॉग वेपन्स की जरूरत है की जरूरत है ओके ओके ओ शेट उनको इधर आने थे ठीक है यही बढ़िया आइडिया अबे मारना यू आर ओवर हाइड्रेटेड नहीं भैंस की यार आई जस्ट नीड टू बी स्ट्रांग गाइस सारे ज़ॉम्बीज़ मेरे ऊपर टूट पड़े क्या मिशन फेल हो जाएगा क्या यार नहीं यार ऐसा नहीं मत कर आई जैसे आई थिंक मेरी डेथ हो जाती है ना ये मेबी मिशंस भी, भी रीस्टार्ट हो जाते हैं सारे मेबी वो मिशन रीस्टार्ट हो जाएगा गाइस के ये रहा बैकपैक बट वो जॉम्बीज आई थिंक मेरे को भी न, नहीं मारेंगे आई थिंक मतलब अभी मैं उनको नहीं मार पाऊंगा आई थिंक हाँ देखो सारे जॉम्बीज जॉम्बिज से गायब हो गए बट इधर लूट तो काफी सर नहीं नहीं है आ जा आ जा आ जा बेटे अभी भीड़ ले अभी भीड़ ले भिड़ ले भिड़ ले कहा है सो सो है है रहा है? ओके यहाँ पे काफी सारे बैकपैक्स पैक्स पड़े इनको चेक करते हैं तो आइटम मिलेंगे अरे ग्लूम क्या बकवास चीजें आई जस्ट आई जस्ट डोंट नो इनसे भाई क्या ही करूँगा मैं यहाँ पे भी एक काफ़ी तगड़ा जो भी था आ जा क्या मैं इनको आग लगा सकता हूँ क्या अगर एक सेकेंड मेरे पास ना एक गन भी है एक बार गाइस इस गन का मैं यूज़ करने वाला हूँ ठीक है वाट इसकी गोलियाँ नहीं है मुझे लगा मेरे पास दो गोलियाँ हैं दो भी गोलियाँ नहीं है मेरे पास आ शिफ्ट दो दो है क्या नहीं वही है आ जा भिड़ ले भिड़ ले

उस ओ जिंदा है मेरे को लगाई था नाटक कर रहा है नाटक कर रहा है साला ओके मर गया ना ओके मर गया गाइज सो यहाँ पे लूट होगी अबे अबे कुछ भी तो ओके हाँ है इसके अंदर ओके कुछ है गाइज अरे ये गैस कम है क्या करूँगा मेरे पास अभी गाड़ी भी तो नहीं है ओके ऊपर चलते हैं ऊपर गाइज में भी कुछ हो सकता है क्या ना गो अप हाउ टू आई क्लाइंब अप ओके मैं जा सकता हूँ मे ऊपर कहाँ अबे ओ शिट हेलो हेड ऑलमोस्ट हेड शॉट लगाई था यस yes. लेवलअप हो गया मेरा मेरे पास स्किल पॉइंट्स आ गए ओके okay. मेरे को कोई आइडिया नहीं है स्किल पॉइंट्स का यूज़ कैसे करना है मेरे को ना गाइस इसका थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा ये स्किल पॉइंट्स को यूज़ कैसे करें ओके okay. बट ये गुफा तो भाई काफ़ी तगड़ी निकली यहाँ पे एक और है. ये तो तेरी भैंस की जल्दी 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 यस yes. हेडशॉट एक और बार एक और बार एक और बार तो इस nice. हेडशॉट मारता तो यार ना अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे हैं अभी मेरे को जंप मार के उधर जाने का ओह oh, यहाँ पे अगर पैर अटकता तो कुछ होता नहीं पता नहीं क्या था यहाँ पे क्या है बर्निंग शाफ्ट मोड मिल गई क्या ये ये गन क्या एमोज है oh, guys, so चला सकता हूँ इसको इसी की एमोज है क्या ये आई आई थिंक इसी की है कितने एमोज है मेरे पास अभी ओके वी गॉट सिक्स एमोज ओके ये क्या है ये आई थिंक कुछ मशीन लग रहा है यहाँ पे क्या है भाई देख लेता हूँ मैं ओके काफ़ी सारा अभी स्क्रैपर स्टेरॉइड्स मिल गए ओके यहाँ पे भी आई थिंक बढ़िया चीज़ होगी ओह बैटन पाइप मिल गया तो भाई फर्स्ट एड बैंडेज भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई बैंडेज दे दो भाई बैंडेज क्योंकि यार मेरी हेल्थ काफ़ी जा रही है ये बैक पैक को इधर रखवाते हैं और मेरे को ये बैटन पाइप आई थिंक ये भी कोई मतलब टूल है इससे भी आई थिंक मैं मार सकता हूँ तो ठीक है इसको भी रखवाते हैं यहाँ पर भाई सही है मेरी भी हेल्थ भी ठीक है ओके इट्स ऑल एट यहाँ पर भी इसके अंदर भी कुछ होगा ये आई थिंक एम है इसको भी सर्च कर लिया काइंड kind ऑफ of मैंने और एक और रास्ता ऊपर जा रहा है अरे चलना ऊपर हड्डी टूट गई मेरी यूर लेग इज ब्रोकन शेट गाइज मेरी हड्डी भाई मैं ऊपर से नीचे गिरेगा काइंड kind ऑफ of? अबे यार अभी ये स्टेरॉइड लेने से आई थिंक हो जाए यार मेरे मैंने काफी काहे मैंने जंप लगाई थी नीचे ओके एंड आई थिंक रात हो गई है गाइज ओके okay, मैंने स्टेरॉइड्स ले लिए मैंने मे भी ठीक हो जाएगा हाँ मे बी ओके अभी ठीक था कुछ थोड़ा बहुत चल पा रहा हूँ मैं और रात हो गई डेट्स आई थिंक काफ़ी सारे जॉम्बीज और भी आएंगे ये वाला जो क्रेट है इसको आई थिंक मेरे को तोड़ना पड़ेगा इसके अंदर से कैसे मेरे को ना चीज़ें मिल सकती है लेट्स सी इसके अंदर क्या है मैं वापस आ गया देखने के लिए क्योंकि मेरे को मेरे को पता था यहाँ पे एक क्रेट था ओ स्नाइपर वोल्ट बेटर वोल्ट कुकिंग वीकली मेरे को कुछ magazines मिल गई इनको पढ़ लेते हैं okay, ओके मेरे पास आई थिंक कुछ स्किल आ जाएगा सी एक्स भी, भी मिल गई मेरे को ठीक है फिर ये कुकिंग का है इसको भी पढ़ लेते हैं यू हैव अनलॉक फूड ग्रिल कॉर्न एंड बेक पोटैटो अभी मैं बेक पोटैटो वगैरह बना सकता हूँ खुद से एंड ये स्नाइपर का है मे भी मैं स्नाइपर के एमोज या में भी गनी बना सकता हूँ सीधा तो जो ऐसा नॉर्मल क्रेट होता है ना उसको मेरे को ऐसा मारने का है मैं इसको ढूंढने के लिए भी वापस मतलब देखने के लिए मैं वापस नीचे से ऊपर आया था और मेरी हड्डी भी टूटी है भाई अभी क्या ही बताऊँ मैं और इसके पीछे एक बैग भी था भाई मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर रहा था देखो मेरे को कैन फूड मिल गया ओ आई नीड दैट आई नीड दैट कैन फूड सबसे पहले भाई ये मैं पीनट्स खा लेता हूँ क्योंकि मेरे को भूख वैसे भूख नहीं लगी है ये कैन फूड को तो ले ले भाई अभी मैं यहाँ से निकल लेता हूँ बाहर क्योंकि हमने ये हुआ ये जगह को पूरा चेकआउट कर लिया अभी लगभग लग रात के बारह बज रहे तो अभी जल्दी ना सुबह हो जाएगी क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ना रात में तो बाहर बिल्कुल नहीं घूमने वाला हम लोग ना अभी यहाँ पे सुबह में ही जाएंगे बाहर क्योंकि मुझे पता है बाहर काफ़ी सारे जोम्बिस घूम रहे हैं, तो खतरे से खाली नहीं है अभी अभी जाना ठीक है सो दैट्स हम लोग कल सुबह ही जाएंगे मतलब सुबह होने के बाद ही जाएंगे तो मुझे लग रहेगा इस आज के एपिसोड में इतना इतना हरकूप ना होगा अभी ना मैं देखो इस गेम को धीरे धीरे सीख रहा हूँ काफ़ी मज़ेदार गेम है अभी मेरे हड्डी टूटे मेरे को हड्डी के लिए कुछ करना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अपना ना छोटा मोटा एक बेस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग अपने मतलब रिसोर्सेस को एक जगह पे सेव कर सके खाना वगैरह पका सके अगर आपके कुछ सजेशन है मुझे प्लीज़ कमेंट्स से बता दो एंड फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग विस इन द नेक्स्ट वीडियो बाई गेमोस